अब इसमें थोड़ी सी जाएंगी मिर्चें, ज़्यादा नहीं, तकरीबन हाफ टी स्पून। अब इसमें जाएगा नमक, ठीक है, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और खड़ा ज़ीरा, ये सब हमने इसमें चीज़ें डाल दी हैं। अब चाट मसाला भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं। चाट मसाला डाल दिया हमने, अब हम इसको पानी से पूरा मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें लेमन जूस ऐड कर रहे हैं जो हमने काट के रखा हुआ है। टेस्ट इसका अच्छा आएगा, खट्टा खट्टा। चाट मसाला भी हमने ऐड किया है, इसको हम मिक्स करके अब हम सारी हरी मिर्चों में इस तरह से भर के ये हमने सारी मिर्चें इस तरह मसाले के अंदर भर ली हैं। अब हम अपना बेसन जो है, जो हमारा ये पानी था मसाले वाला, जो हमने सारा मसाला भरा है मिर्चों में, उस पानी को हम इस बेसन में ऐड करते हैं, जिससे हमारा बेसन का टेस्ट दोबारा हो जाएगा। ठीक है, हमारा बेसन हो गया रेडी। अब हम सारी मिर्चें इस तरह से एक एक करके बिस्मिल्लाह रहीम डाल देंगे इसमें। देखें ये इस तरह से हमारी मिर्चों को हम लपेट रहे हैं। ये हमारी हरी मिर्ची इसके अंदर जा चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं इनके फ्राई होने के बाद। जी ये अब हमारे पकौड़े रेडी हैं, हरी मिर्च के पकौड़े, और ये हमारे ये कैबेज पकौड़े हैं, रेड कैबेज। ये है जो पत्ता हमने नीचे भी रखा हुआ है गार्निशिंग के लिए। ये हमारे पकौड़े अब रेडी हैं। ओके, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आई होप कि आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और अच्छे लग रहे होंगे पकौड़े। और लाइक करना नहीं भूलेगा, शेयर करना नहीं भूलेगा। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी। ओह, लिप